नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूं प्रियंका उप्पल आनंद। कई बार हमें कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, निवेश करने के लिए आपका नजरिया होना बहुत जरूरी है। नजरिया शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है। अब ये टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड हो और इस शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के नजरिए को समझने के लिए इसका एनालिसिस क्या होना चाहिए, इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट सुनील मिग्नानी बने हुए हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। यही बात सबसे पहले दिमाग में घूमती है, हर एक्सपर्ट शो पर ये कह रहा होता है कि आपका नज़रिया बहुत क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। ये नज़रिया, ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होता क्या है असल में? देखिए, नज़रिए की जब आप बात करते हैं, या आपका बात बिल्कुल ठीक है कि आपका नज़रिया क्लियर होना चाहिए, लेकिन आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि इस मार्केट में जितने भी लोग काम करते हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता। और लॉन्ग टर्म जैसी चीज़ जो है वो होती ही नहीं है। एक्चुअली लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ लॉन्ग टर्म का मतलब। लॉन्ग टर्म का मतलब, जैसे अगर आपका नजरिया है कि आप शायद 6 महीने के लिए भूल जाएंगे मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है, आपने अगर सपोज कीजिए एक शेयर खरीदा, आपने टाटा स्टील खरीदा, आप भूल जाइए 6 महीने के लिए, वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, या भूल जाए आप 1 साल के लिए, वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। नहीं, भूल जाने का मतलब क्या है, भूल कैसे सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट? आप उसकी रोज डे टू डे मूवमेंट ना देखें कि प्राइस घट रहा है, चढ़ रहा है, नेगेटिव न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, आपने इन्वेस्ट किया और बस पेशेंटली बैठ जाइए। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसको डे टू डे मोमेंट मत देखिए, लेकिन आपको पता है यहाँ पर जब स्टॉक लिया जाता है, कोई भी इन्वेस्टर, बोलते हैं इन्वेस्टर है अपने आप को, वो होते ट्रेडर ही हैं वो, और लॉन्ग टर्म भी वो होते नहीं है, लॉन्ग टर्म एक्चुअली हो जाते हैं। वो लेते तो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, 5 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए, शेयर नीचे गिर जाता है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। यानी उन्हें बार बार होल्ड करते जाना पड़ता है, अपना टाइम फ्रेम बढ़ाते जाना पड़ता है। होल्ड करते जाना पड़ता नहीं, वो जबरदस्ती हो जाता है उनसे, वो एक्चुअली चाहते नहीं है। उनका आज रेट आ जाए तो आज सबसे पहले शॉर्ट टर्म होने वाले वही आदमी होंगे जी। अगर मुनाफा मिल रहा है तो आज ही आप उसे बुक करो प्रॉफिट और निकल जाओ, नहीं तो नुकसान बेयर करना है, नहीं करना है तो बने रहो उस टाइम, बिल्कुल बने रहो। FIs तक भी लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म क्या होता है, आप किसी शेयर को लेकर 10 साल तक आप सो जाएंगे। आज आप 20 साल पहले चले जाइए इस मार्केट में, कितने शेयर हैं उस समय जो आज जिंदा हैं, जो कंपनियां आज चल रही हैं, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। किसी ने उस समय लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हो तो वो कहाँ है आज आदमी? आप पीछे चलिए, इतनी पुरानी बात आप छोड़ दीजिए, पीछे 4 साल पहले चले जाइए। रिलायंस कैपिटल के नाम से एक कंपनी है, हम नाम ले रहे हैं, उसका रेट 300 रुपये था, आज भी 300 रुपये है, वो शेयर 3000 रुपये तक जाके वापिस आ गया। जिस आदमी ने वहां शेयर लिया 300 रुपये का और अपना 5 साल का नजरिया रखा, उसके पास आज क्या है जी? यानी कल कुछ नहीं है, जो है आज में रहो, आज नहीं। हमारा कहना यह है कि लॉन्ग टर्म वो है, आप एक शेयर को लेते हैं, अगर वो शेयर ऊपर जा रहा है, जब तक आपकी दिशा में है, आपकी दिशा का मतलब आपने बाय किया है, वो ऊपर जा रहा है, जब तक आपकी दिशा में है आप उस पर राइड कीजिए, आप उसको होल्ड कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहें उसमें बढ़ाइए, लेकिन अंधे होके मत बैठिए, सोइए मत। तो सोइए नहीं, यानी आपको कहीं ना कहीं एनालिसिस करना होगा। ये एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, किस ग्राउंड्स पे एनालिसिस किया जाए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए? एनालिसिस करने के लिए देखिए, ऐसे प्रियंका जी, 2-3 चीजें होती है। एक तो फंडामेंटल होता है, आपको सब पता है, जैसे एक टेक्निकल होता है। स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करने के लिए 2 ही ग्राउंड है हमारे पास। एक तो हम देखते हैं कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कैसे कर रही है, उसके प्रमोटर कौन है, बैलेंस शीट कैसी है, क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारी चीज़ों में वो रुक जाता है जाके। इसीलिए हमारे पास भी कई लोग आते हैं, वो कहते हैं सर हम फंडामेंटल के ऊपर जब भी काम करते हैं तो हमें एक समझ नहीं आता, फंडामेंटल बहुत अच्छे होते हैं और स्टॉक गिरता जाता है। और ज़्यादातर वो जब भी किसी टीवी पे एनालिस्ट को सुनते हैं तो फंडामेंटल वाला बिल्कुल अलग बात बोल रहा होता है और टेक्निकल वाला बिल्कुल अलग बात। तो किसके सुननी चाहिए, टेक्निकल या फंडामेंटल? उनको ये बात समझ में नहीं आती। एक्चुअली दोनों चीज़ के कॉन्सेप्ट ही अलग है, दोनों चीज़ की सोच ही अलग है। जो फंडामेंटल है आप समझिए, वो बात करता है आपकी, मान लीजिए बॉडी के बारे में, मान लीजिए एक एथलीट है, उसकी बॉडी के बारे में बात करता है वो, कि इसकी हार्ट बीट कितनी है, उसकी एज कितनी है, वो कैसा खेलता है, कितने समय तक खेल सकता है, उसका काउंट क्या, ब्लड काउंट कैसा है, जो भी एनालिसिस है वो, और उसके बेसिस पे वो ये डिसाइड करता है कि ये आदमी, ये एथलीट जो है, आने वाले 5 से 10 साल तक खेलेगा और अपनी कंट्री के लिए पैसा भी कमाएगा, नाम भी कमाएगा। यानी कुछ की ट्रिगर्स है जिनको आप नोटिस करते हैं, वो है फंडामेंटल। लेकिन क्या ये सही है? अगर उसका कल एक्सीडेंट हो गया, अगर कल वो भागते भागते उसके पैर में चोट लग गई और वो गिर गया और 6 महीने के लिए वो ना उठ पाया, तो अभी युवराज सिंह ठीक थे उसके, लेकिन फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अभी सेम केस जो है उनके साथ हुआ, युवराज सिंह, एक साल पहले कोई नहीं कह सकता था उनको इस तरह का बीमारी हो जाएगा, या वो बैट पे हो जाएंगे, या वो खेल नहीं पाएंगे। फंडामेंटल ओके थे,
लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। इसीलिए फंडामेंटल जो है वो एक हिस्सा देखता है चीज का, वो देखता है ये, जैसे इंश्योरेंस कंपनी होता है, इंश्योरेंस कंपनी जब आपका इंश्योरेंस करता है तो वो आपके फंडामेंटल देखता है, आपका एज कितना है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आप स्मोकिंग तो नहीं करते। लेकिन जिसका 30 साल का एज है और जिसका 60 साल का एज है, ये गारंटी है कि 30 साल वाला नहीं मरेगा 60 साल तक? कोई गारंटी नहीं है इस बात की। बाकी चीजों को देख लेना और एक पक्ष को नजरअंदाज कर देना कि जो डे टू डे मूवमेंट्स हैं, जो कंपनी है, एक कंपनी शुरू हुई, अब वो आज अपना काम कर रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है मान लीजिए, उसके साथ बीच बीच में प्रॉब्लम भी आएंगी, कुछ बहुत दिक्कतें आएंगी उसके साथ, उनको भी ये मार्केट डिस्काउंट करके चलती है। जो आदमी सिर्फ फंडामेंटल पे काम कर रहा है उसको ये परेशानी रहती है कि वो बीच की जो मूवमेंट होती हैं उनको वो एडजस्ट नहीं कर पाता साथ। वो कहता है कंपनी तो बहुत अच्छी है, कंपनी अच्छी है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रही, प्रोडक्शन लगातार गिर रहा है, ये सब वो बीच में होगा, वो बीच में होगा, एक ही फेज नहीं चल सकता है हमेशा, डाउन भी आएगा, अप भी आएगा, डाउन भी आएगा, अप भी आएगा। वो जो डाउन फेज होता है किसी कंपनी का, इंडस्ट्री का, इकोनॉमी का, उसको वो एडजस्ट करके, उसको डिस्काउंट करके नहीं चलता है फंडामेंटल, राइट। इसीलिए वो बीच बीच में उनको प्रॉब्लम आता है और लोगों को उनका बात मैच करता हुआ नहीं दिखता। आपको मैं बताऊं कि जो एनालिस्ट होता है, फंडामेंटल एनालिस्ट, वो एक्चुअली आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, वो आपको पूरा सच नहीं बता रहा है। झूठ ना बोलना और पूरा सच बताने में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा नहीं है कि उसको मालूम है पूरा सच, हो सकता है वो भी ना जानता हो। मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ। यहाँ पे एक शिप था, उस शिप पे दो आदमी काम करते थे, गार्ड जो नाइट में ड्यूटी करते हैं, उसमें दो गार्ड थे। एक गार्ड का जो काम होता था रात को ड्यूटी करना और एक गार्ड का काम होता था रात को रजिस्टर लिखना कि पूरे क्या हुआ। तो एक दिन एक गार्ड का ड्यूटी था, उसने ड्यूटी किया, दूसरे गार्ड ने रजिस्टर लिखा। जिस गार्ड का ड्यूटी था, थोड़ा ठंड था, उसने थोड़ा ड्रिंक कर लिया, तो उस गार्ड ने रजिस्टर में लिखा आज इसने शराब पी। तो एक गार्ड ने कहा यार आप क्यों लिख रहे हो इसको, मैंने आज ही पी है, ठंड थी इसलिए पी ली। कह रहा आपने शराब पी है? बोला मैंने वही लिखा है। मैंने झूठ लिखा है? नहीं, मैंने वही लिखा है। ने कहा ठीक है आपने लिख दिया, इसके आगे एक लाइन जोड़ दीजिए कि पहली बार पी, ठंड थी इस वजह से। कह रहा देखिए हम टेक्निकल्स में नहीं जाएंगे, आपने पी है? पी है, मैंने वही लिखा है। ठीक है, उसको पड़ गई डांट वाट, जो होना था फाइन फूइन जो होना था हो गया। अगले दिन, दो तीन दिन, चार दिन बाद ड्यूटी उसकी थी और लिखने की बारी उसकी थी। उसने पूरी रात ड्यूटी की, सामने वाले ने लिखा आज इसने शराब नहीं पी। उसने कहा ये क्या लिख रहा है? ने कहा आज आपने पी है? कहा नहीं, कि मैंने वही लिखा है। देखिए ये भी तो लिखो इसके आगे कि ये कभी नहीं पीता, इससे तो लग रहा है मैं रोज पीता हूँ। हाँ। कहता है आप देखो ऐसा हम टेक्निकल्स में नहीं जाएंगे, मेरी आज ड्यूटी है, मैंने आज देखा आपने नहीं पी, मैंने वो लिख दिया। आधा सच, रोबोटिक हो गया आप। आधा सच जो है पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक है एक्चुअली। आधा सच, आधा जो फंडामेंटल बता रहा है आपको, आधा सच, वो गार्ड के लिए पिक्चर पूरी तरह से बदल गई, उसका इंप्रेशन पूरी तरह से बदल गया। वो आपको कह रहा है पुंज लॉयड बहुत बढ़िया कंपनी है, कितने भी बढ़िया कंपनी है, उसका वो जवाब नहीं दे रहा है। फंडामेंटल और टेक्निकल में यही डिफरेंस है एक्चुअली। टेक्निकल जो है वो मूवमेंट नोट करता है प्राइस की। आप किसी टेक्निकल एनालिस्ट से पूछिए, वो आपको कभी नहीं कहेगा रिलायंस अच्छी कंपनी है, वो कहेगा रिलायंस का चार्ट बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपने बताया। इनफैक्ट कि वो ट्रेंड्स को देखता है, वो चार्ट्स को देखता है। टेक्निकल एनालिसिस किस किस चीजों को ध्यान में रखते हैं फिर? देखिए टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बिल्कुल अलग तरह की चीज है, वो फंडामेंटल के बारे में बात ही नहीं करता, वो देखता है प्राइस मूवमेंट को। और ये प्राइस मूवमेंट कैसे आएगी? प्राइस मूवमेंट तो मार्केट चल रहा है, प्राइस बिहेव कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस ये मान के चलता है कि प्राइस का एक सेट बिहेवियर होता है, और प्राइस जो है जिस तरह से उसने आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले बिहेव किया था और एक सेट तरह के पैटर्न बने थे, अगर आज भी प्राइस का बिहेवियर वही है तो पैटर्न वही बनेंगे। लेकिन प्राइस मूवमेंट इज सो रैंडम, पैटर्न जो है प्राइस मूवमेंट के वो बहुत रैंडम है, उनके पैटर्न्स कुछ भी हो सकते हैं। पैटर्न रैंडम नहीं होते। देखिए अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी बाहर हम चलते हैं। फिलहाल सुनील जी आपको यहीं रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, यहाँ बात करेंगे, लेकिन ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस मूवमेंट में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, या फिर प्राइस की मूवमेंट, प्राइस की डिस्कवरी किस तरह से होती है, किन ट्रिगर्स पर डिस्कवरी होती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और सुनील मेरे साथ बने हुए हैं बताने के लिए. सुनील, टेक्निकल एनालिसिस पे बात हो रही थी, प्राइस मूवमेंट भी एक कंसर्न दिमाग में आता है, पहले टेक्निकल एनालिसिस को और समझ लेते हैं. देखिए, जैसे हमने बात किया फंडामेंटल के ऊपर, टेक्निकल के अंदर हम लोग, मैंने आपको बताया कि प्राइस मूवमेंट को हम वॉच करते हैं. अब प्राइस मूवमेंट को क्यों वॉच किया जाता है, सबसे बड़ा प्रश्न जो है किसी आम आदमी के दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि क्या है टेक्निकल एनालिसिस और हम प्राइस मूवमेंट को क्यों वॉच करते हैं. और हम कह रहे हैं कि प्राइस की हिस्ट्री जो हो चुकी है, हम उसको देख के कल होने जो वाला है उसकी एंटिसिपेशन कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हम जो भी बता रहे हैं कि ये स्टॉक कल ऊपर जाएगा, दो दिन बाद ऊपर जाएगा, चार दिन बाद ऊपर जाएगा, लेकिन हमारे पास है क्या, हमारे पास प्राइस है जो हो चुका है, जो निकल चुका है. इसी को समझाने के लिए आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ. मान लीजिए कि अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि बारिश होने वाला है या नहीं, हम बाहर जाते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ बारिश होने वाला है या नहीं, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? मैं सिर्फ एक लेमैन की तरह जो समझ सकती हूँ आसपास अपने एटमॉस्फेयर को देखूंगी, ऊपर बादल है या नहीं है, क्योंकि बादल अगर होंगे तो बारिश जरूर होगी. बादल दिखते हैं मुझे तो मैं एक इंडिकेशन लगा सकती हूँ कि शायद बारिश हो रही है. बिल्कुल सही जवाब. बादल देखने के बाद आपको एहसास होता है कि हाँ बारिश होने वाला है, लेकिन आप समझिए कि आप अगर आपने कभी ऐसा देखा ही नहीं है बारिश होते हुए, तो आप बादलों को देख के कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि बारिश होने वाला है. आपको ये एक्सपीरियंस कहाँ से आया कि बादल होने के बाद बारिश होती है? क्योंकि आप अपने बचपन से ये देखते देखते सीखे हैं कि जब भी बारिश होनी होती है एक खास तरह के बादल बनते हैं, खास तरह का कलर होता है उनका, खास तरह की हवा चल रही होती है, तभी जब ऐसा होता है तभी बारिश होती है. अभी तो बारिश नहीं हुआ ना, लेकिन हम फिर भी घर से छाता लेके निकलते हैं कि बारिश हो सकता है, क्योंकि हमें पता है, हमारा एक्सपीरियंस हमें बार बार बता चुका है कि जब ऐसे बादल होते हैं बारिश आ सकती है. एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ नॉर्मली जिनकी शादी को 4-5 साल हो गए होते हैं, वो आपस में, अब हस्बैंड है और वाइफ है, लगभग दोनों को एक दूसरे की बातें पता होती हैं. आज हस्बैंड ने कुछ पूछा तो उसको मालूम होता है कि वाइफ की तरफ से क्या आंसर आने वाला है. ज्यादातर केसेस में, हर केस में आपको पता होता है आपके हस्बैंड को क्या पसंद है, क्या पसंद है, क्या नहीं. लेकिन लेकिन क्या जिस दिन पहले दिन शादी हुई थी उस दिन भी पता था? बिल्कुल नहीं पता था, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आया. क्योंकि उस दिन आईपीओ खुला था, उस दिन ताजा ताजा आईपीओ खुला था, तब वो आईपीओ था, धीरे धीरे उस दिन चार्ट नहीं था. एक्चुअली जो मूवमेंट है दोनों की मूवमेंट, हस्बैंड को वाइफ की मूवमेंट नहीं पता थी, वाइफ को हस्बैंड की मूवमेंट नहीं पता थी, दोनों के पास में एक दूसरे का चार्ट अवेलेबल नहीं था. जैसे जैसे टाइम बीता गया चार्ट बनता गया, चार्ट बनता गया, साल दो साल तीन साल बाद दोनों को पता चल गया कि इस मोमेंट पे इनको कुछ भी बोला तो अभी मुझे डांट सुनने को मिलेगी, इस मोमेंट पे इनको बोला तो ये खुश हैं, दोनों को एक दूसरे का बिहेवियर. अब एक वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में तो जज कर सकती है, क्या किसी दूसरे हस्बैंड के बारे में जज कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास उसका चार्ट नहीं है. हिस्ट्री 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 देख देख के वो सीख चुकी है कि एक खास तरह का पैटर्न होता है. वो पैटर्न पहले बना था तो ये मूड था, ऐसा हुआ था, आज वही पैटर्न बन रहा है तो वही होने वाला है, उसमें कुछ बात नहीं. प्राइस की मूवमेंट तो बहुत रैंडम होती है, आप कैसे हर बार एक पैटर्न देख सकते हैं? ये उन्हीं लोगों को लगता है जिन्होंने कभी चार्ट एनालिसिस या तो नहीं किया या उनको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ गलतफहमी है. प्राइस मूवमेंट भी रैंडम नहीं होता, उसके भी पैटर्न है. हम टेक्निकल एनालिसिस में जब भी बात करते हैं, आप किसी से भी बात कीजिए, ट्रेंड बोलते हैं हर बार. वो ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है? अगर रैंडम है तो ट्रेंड हो ही नहीं सकता. ट्रेंड क्या है? एक चीज स्टार्ट हुई, वो नीचे से चली है ऊपर तक जाएगी, ऊपर से चली है नीचे तक आएगी. आज अभी 2 महीने पहले समर स्टार्ट हुआ है. नहीं, लेकिन आपने सुनील जी जिस तरह से बताया, फंडामेंटल एनालिसिस अलग है, टेक्निकल एनालिसिस अलग है. फंडामेंटल आपको लॉन्ग टर्म की वो पॉजिटिव ट्रिगर्स बता देगा और टेक्निकल डे टू डे मूवमेंट बताएगा. लेकिन सपोज कीजिए अगर आपको एक स्टॉक की प्राइस मूवमेंट पता है, आपको पता है टाटा स्टील का ये रेंज है, यहाँ सपोर्ट है और यहाँ रेजिस्टेंस है. लेकिन सपोज कीजिए उस दिन न्यूज ही कोई बहुत नेगेटिव आ गई, S&P ने डाउनग्रेड कर दिया, इकोनॉमी कोई पूरा मार्केट गिर गई 400 पॉइंट, तो अगर उस प्राइस की रेंज थी एक, उसने ऊपर जाना था, उसका एक रेजिस्टेंस लेवल आपको पता था कि यहाँ तक है, लेकिन मार्केट में नेगेटिव न्यूज आई और उसी रेंज से वो नीचे 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 गिरता चला गया, उसे क्या कहेंगे आप? देखिए, स्टॉक के अंदर अगर कुछ आप बात कर रहे हैं तो आप उसको अलग रखिए, उसको अलग रखिए, मार्केट को अलग रखिए. मार्केट अलग चीज है, मार्केट बड़ी चीज है, स्टॉक उसके बीच का हिस्सा है. ज्यादातर न्यूज जो है खराब या अच्छी ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड होती है. हम उसका बात करते हैं, रीजन वो क्यों होता है. इस मार्केट में सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक काम हो सकता है, ना उसे पहले हो सकता है ना उसके बाद हो सकता है. इन बिटवीन हर आदमी काम कर रहा है, मैं, आप, एक बैंक, एक FIs, LIC, एक मार्केट स्ट्रेटजिस्ट, एक फंडामेंटल एनालिस्ट, सब उसी समय में. यानी कि सबकी नॉलेज का, सबकी इंफॉर्मेशन का,
सबकी सोच का, सबकी समझ का, सब टोटल जो है वो उस दिन, अगर आज शाम को टाटा स्टील का या किसी भी स्टॉक का प्राइस एक बंद हुआ है, उस प्राइस में हर आदमी की नॉलेज शामिल है। यानी प्राइस कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। इट कैन बी फंडामेंटल एनालिसिस, इट कैन बी टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट स्ट्रेटजिस्ट हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, एफआईज हो सकते हैं। देखिए कई लोग हमें भी कहते हैं, आपने नाम लिया ऑपरेटर, कि ऑपरेटर चला रहा है इस शेयर को एफआईज खरीद रहे हैं, इस शेयर में ये हो रहा है, इस शेयर में वो हो रहा है, कोई भी खरीद रहा है, कोई भी बेच रहा है, एक बात तो पक्की है कि जो खरीद रहा है उसको नॉलेज ज्यादा है, उसके पास पैसा ज्यादा है, उसे समझ ज्यादा है, तभी उसके लेने से प्राइस ऊपर जा रहा है। आप नाम कुछ भी दे सकते हो उनको, आप बोल दो एफआईज ले रहे हैं, आप बोल दो ऑपरेटर ले रहे हैं, नाम आप कुछ भी दे दो, लेकिन कुछ स्मार्टेस्ट लोग हैं जो मुझसे और आपसे ज्यादा समझदार हैं। तो क्या जो एक नॉर्मल फॉलो किया जा सकता है? स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर का फोन नंबर नहीं है ना हमारे पास, उनसे हम पूछ भी नहीं सकते हैं कि सर आप क्या कर रहे हैं, हमें बता दीजिए, हम भी आपके साथ आ जाते हैं, इसीलिए प्राइस देखते हैं। वो इतना बड़ा हाथ है एक्चुअली, इतना बड़ा पैसा है कि जब भी वो स्टॉक में आएगा और जाएगा उसके निशान साफ दिखाई देंगे, इसीलिए हम प्राइस को वॉच करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन प्राइस मूवमेंट प्राइस में आ जाएगा ना। तो हम प्राइस को जो फॉलो करते हैं तो इनडायरेक्टली हमने उस स्मार्ट आदमी को फॉलो कर लिया जो हमसे ज्यादा स्मार्ट है। तो अब यहाँ पर एक बात है कि फंडामेंटल वाले ये बोलते हैं कि जो ये टेक्निकल वाले हैं ये मानते नहीं है फंडामेंटल को। मैं यहां बोलना चाहता हूं कि फंडामेंटल वाले चाहे टेक्निकल को ना मानते हो लेकिन टेक्निकल वाले इनडायरेक्ट वे में फंडामेंटल मानते हैं, क्योंकि वो उस आदमी को फॉलो कर रहे हैं, उस आदमी के एक्शन को फॉलो कर रहे हैं इनफैक्ट जो फंडामेंटल फॉलो कर रहा है। आज मारुति के अंदर अगर कोई चेंज हो रहा है फंडामेंटल और उसका प्राइस ऊपर जा रहा है और मैं मारुति बाय कर लेता हूं तो मैंने इनडायरेक्टली फंडामेंटल फॉलो कर लिया। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आइसोलेशन में नहीं है, हम सिर्फ प्राइस नहीं देख रहे हैं, हम प्राइस जो देख रहे हैं हम इसलिए प्राइस देख रहे हैं कि प्राइस की मूवमेंट हमें बहुत कुछ बता देती है। तो यानी प्राइस मूवमेंट या फिर प्राइस डिस्कवरी के पीछे बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, उस ट्रिगर्स में ग्लोबल कंडीशंस भी आएंगी, उस ट्रिगर में आपका फंडामेंटल एनालिसिस भी आएगा और उस मूवमेंट में यानी उस प्राइस के मूवमेंट में और ये डे टू डे ट्रिगर्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा उसके बीच में, हर चीज आएगी, हर चीज का सब टोटल वो प्राइस है। उसमें न्यूज भी आएंगी, उसमें सब कुछ आएगा। हमने पहले भी बात किया है कि जब भी ऊपर जा रहा होता है मार्केट सारी अच्छी अच्छी न्यूज आ रही होती है, नीचे आ रहा होता है खराब न्यूज आ रही होती है। क्यों आ रही होती है वो, ऐसा क्यों हो रहा होता है? खराब न्यूज एक्चुअली आपको उस दिन पता चलती है, लेकिन वो स्मार्ट आदमी जो आपसे ज्यादा स्मार्ट है उसको पता था कि इसमें खराब न्यूज आनी है या इस कंपनी की कंडीशन खराब होने वाली है, वो उसमें से पहले एग्जिट करता है, प्राइस पहले बोल जाता है। इसलिए जब प्राइस नीचे आ चुका होता है तब उस खराब न्यूज आपके सामने आती है, आपको लगता है यार ये प्राइस नीचे आ गया, आप खराब न्यूज आ रही है। यानी आपसे पहले न्यूज बहुतों के पास पहुंच गए और रिएक्ट कर भी चुके हैं। न्यूज नहीं पहुंच चुकी है लेकिन उनको ब्रॉडर पिक्चर तो पता है, आप उनके पास इन्फॉर्मेशन भी ज्यादा है, आपसे नॉलेज भी ज्यादा है, समझ भी ज्यादा है, तो उनके एक्शन जो है वो आपसे अर्ली होंगे, तो वो एक्शन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप भी एक्शन जल्दी करेंगे। यानी आप फंडामेंटल एनालिसिस को तो जरूर ध्यान में रखें, उसे इग्नोर नहीं करना, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा जरूरी हो जाता है। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वी आर नॉट सेइंग, वी आर नॉट डिस्करेजिंग फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन हम बोल रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस को कंसीडर बहुत जरूरी हो जाता है करना। बहुत जरूरी। जी, और इसके अलावा प्राइस मूवमेंट की बात करें, लेकिन मार्केट क्यों डरा के रखती है लोगों को? आप बता रहे कि इतनी सारी चीजें जिसको नोट करना, आपने अगर मेरा एग्जाम है कल, मैंने सारे अपने जो भी अपना कॉन्टेंट अच्छे से पढ़ लिया, तब मेरे मन में डर तो नहीं होना चाहिए मैं पास होंगी या फेल होंगी? जो क्वेश्चन आए मैंने लिखे हैं, उसका आंसर दिया है और मेरे को पता है कि मैंने अच्छा स्कोर करना है, लेकिन मार्केट में मैंने सारे फंडामेंटल्स भी लगा लिए अपने, मैंने सारे एक्सपर्ट्स की बात सुन ली, पॉजिटिव भी देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया, उसके बाद भी डर रहता है मार्केट में। डर रहना चाहिए, डर एक्चुअली जरूरी है, वो पार्ट है। देखिए यहाँ पे दो लोग हैं काम करने वाले, एक आप हैं काम करने वाले और एक आपके सामने मार्केट है जिससे आपने पैसा कमाना है, पैसा लेके आना है। अब वो मार्केट है, कोई चैरिटी तो खुला नहीं है वहां पे कि कोई भी आदमी आएगा वहां पे लेके चला जाएगा। एक तो आप बात कर रहे हैं, आपने फंडामेंटल देख लिया, आपने टेक्निकल देख लिया, कितने लोग हैं यहाँ पे देखने वाले, कितने लोगों को समझ आई है? आधे लोगों को तो मालूम नहीं है यहाँ पे होता कैसे है काम, वो इधर से सुनते हैं उधर से सुनते हैं, इसकी सुनते हैं ये कंपनी बहुत अच्छी है वो कंपनी बहुत अच्छी है और काम करने यहाँ पे आ जाते हैं, तो उनको डर लगेगा। लेकिन अगर आप नॉलेजेबल आदमी की बात भी करेंगे उसको भी डर होगा, क्योंकि उसको ये पता है कि सर्टेनिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटीज आए हैं, सर्टेनिटी नहीं है। 30 साल का आदमी 60 साल तक जिएगा जरूरी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है लेकिन कल भी उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो डर जो है वो हमेशा रहता है। और मार्केट इसलिए रखता है आपको क्योंकि अगर वो डर नहीं रखेगा तो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो, आपको आपके ऊपर उसको कंट्रोल करना होता है ताकि आप इजीली पैसा ना कमाएं। अगर आपकी कन्विक्शन है,
ऊपर भी जा रहा है स्टॉक, नीचे भी जा रहा है, एक टेक्निकल एनालिस्ट है या एक कोई भी देखने वाला फंडामेंटल एनालिस्ट है, उसको पता है कि नहीं मेरा जो डिसीजन है राइट है, तो वो ऊपर नीचे की मूवमेंट में बाहर नहीं निकलेगा. लेकिन जो वीक हैंड्स होंगे, जिनको आधी समझ है, या फिर जो दूसरों को देख के बस फॉलो कर लेते हैं, चैरिटी नहीं खुला है यहाँ पे. अब एक बॉलर है, वो एक मैच में सामने वाले को बॉल करने जाता है, वो जब जाता है पहले ओवर में, वो सोचता है मैं इसको आउट कर दूंगा अभी जाते ही, लेकिन अगर उसकी पहली दो बॉलों पर छक्का पड़ जाए ना, तो तीसरी बॉल पर वो आउट करने की भूल जाता है. वो सिर्फ ये सोचता है कि भगवान छक्का ना पड़े. उसकी साइकोलॉजी ही बदल जाती है. मार्केट भी ऐसे ही करती है आपके साथ. आप यहाँ आते हैं पैसे लेके कि आज तो मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा, और आते ही दो तीन थप्पड़ आपको ऐसे पड़ते हैं, आपके 20-50 हज़ार उड़ते हैं, उसके बाद आप रिकवरी में लग जाते हैं जी. आप कमाने की तो भूल जाते हैं, आप ये सोच ही भूल जाते हैं कि आप यहाँ करने के आए थे. आप कहते हैं किसी तरह से सर मेरी कैपिटल पूरी हो जाए, बस मैं किसी तरह से बराबर बराबर हो जाऊँ. 90% लोग हम देखते हैं कि यहाँ पे अपनी कैपिटल तक पहुँचने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं. किस तरह से इन डर से बाहर निकला जा सकता है, या क्या क्या इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, क्या ट्रिगर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा, और भी फंडामेंटल या फिर और भी टेक्निकल एनालिसिस जरूर करेंगे मार्केट का. सुनील मिंगनानी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अगले एपिसोड में. तो दीजिए इजाजत, नमस्कार. लोग हमारे पास भी आते हैं, वो कहते हैं सर हमने वो स्टॉक लिया, देखिए वो LIC ने लिया. हम उससे पूछते हैं आप LIC हो, आपके पास 2 लाख रुपए लगाने के लिए हैं, 300 पॉइंट मार्केट गिरेगा, आपको बुखार हो जाएगा, आपका ब्रोकर फोन करेगा आपका मार्जिन के कारण मैं माल काट रहा हूँ, आप मुकाबला LIC के साथ कर रहे हो, उसके पास 25 साल के लिए पैसा है, उसने बेचना नहीं है वो स्टॉक, उसने रखा हुआ है वो स्टॉक, वो उसको मालूम है कौन सी कंपनी, आपने जिस दिन लेना है उसी दिन TV देखना शुरू कर देना है क्या रेट है.